हेलो बच्चों लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें कॉलम दिया है उसमें ऑर्गेनिज्म है कॉलम टू है यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ऑप्शन है पेनिसिलियम वाटर हाइसिंथ एंड हाइड्रा एंड इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी ऑफसेट बलबिल्स कोनिडियन कोनेडियन इनसे हमें इन्हें मैच करना है तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे की कंसेप्ट वो होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ए से रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे आ, होते हैं जो से ही रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ होते हैं जिनमें दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं ना तो हम ये डिफरेंट टाइप के मोड जो होंगे रिपोर्डक्शन के वो देखेंगे हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट है ये सबके सब, के सब क्या? ये सबके सब है ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिपोर्डक्शन तो सबसे पहले हमारे पास है ए पेनीसिलियम पेनीसिलियम जो होता एक है एक फंजाई है

के थ्रू हाँ पे रिपोड्यूस करते तो ये भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि हाँ पे कोई गैमिट्स नहीं बनते अब बल्बल्स में क्या होता है जैसे कि इनका नाम है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो जैसे ये इनकी लीफ है एंड इनकी स्टेम है ठीक है तो इनके बीच में ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यू प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं बल्बिल्स जब ये मेच्योर हो जाते हैं ना तो इनको उठा करके अगर आप सोयल में डालोगे सॉइल में को तो ये मेच्योर हो जाएंगे ये जर्मिनेट हो जाएंगे जर्मिनेट करके एक आपको नया अगे प्लांट देंगे ठीक है तो इनको हम बोलते हैं बल्बल्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कई बार जो इनके फ्लावर होते हैं ना फ्लावर की जगह पे ये हमें बल्बल्स यहाँ पे भी लीफ पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ भी मोस्टली जो होते हैं लीफ और स्टेम के बीच में एक्सिल्स पे हमें मिलते हैं ये तो बी जो है वो मैच हो जाएगा विथ सेकेंड नेक्स्ट आता है थर्ड वाटर हाइसेंट तो वाटर हाइसेंट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है आपको पता होना चाहिए ये एक वीड है ऑफसेट के थ्रू करता है reproduce. तो पेरेंट प्लांट के थ्रू तो एक हॉरिजोंटल रन करती है एक स्टेम ऐसे हॉरिजोंटली रन करेगी मतलब ग्राउंड जहां ग्राउंड के सरफेस के साथ साथ रन करेगी नीचे सॉइल के नीचे रन करती है ये जो हमारी सॉयल है सोइल के नीचे रन करेगी एंड आगे चल करके ये यही वाले जो स्टेम है यहीं से एक नया प्लांट निकालेगी बेबी प्लांट तो ये जो स्टेम रन करिए ना इसी को हम बोलते हैं ऑफसेट ऑफसेट के थ्रू ये जो स्टेम रन करिए प्लांट बना इसको हम बोलते हैं ऑफसेट इसके थ्रू वाटर है सिंथ रिप्रोड्यूस करता है तो ये आ जाएगा विद फर्स्ट मैच हो जाएगा इसके बाद लास्ट इज हाइड्रा तो हाइड्रा जो होता है सबसे सिंपल दैट इज बर्ड्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है जो हमारा हाइड्रा होता है ऐसा दिखता है कुछ हाइड्रा जब इसमें रिप्रोडक्शन होनी होती है तो एक बड लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर होता है 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 ये 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 बनने लगता है। और धीरे धीरे करके एक छोटा ये जो हाइड्रा हाइड्रा पेरेंटल जैसा बनने लगता है ऐसे धीरे दी धीरे इसमें टेंटिकल्स निकलते हैं एंड जैसे ही ये प्रॉपर जो होता है हाइड्रा बन जाता है तो ये डिटैच कर जाता है प्लांट जो पेरेंट बॉडी है उससे डिटैच कर जाएगा एंड एक नया हाइड्रा जो है वो बन जाएगा एंड ये आगे चल के ग्रो करेगा तो बडिंग के थ्रू जो होती है यहाँ पे ग्रोथ होती है रिप्रोडक्शन होती है हाइड्रा की तो ये मास हो जाएगा विद फोर्थ एंड हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सेकेंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू